हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 मई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, देखो अभी एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट 1 महीना ही बचा है, तो अभी जो करंट अफेयर है आगे का वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो आगे की जो प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज है वो आगे हम आगे कंटिन्यू वो नहीं रखेंगे टिल एग्जाम तक। एग्जाम के बाद हमारी डिस्कशन है वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगी, और इसी के साथ द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है वो भी एग्जाम के बाद आगे से कंटिन्यू है वो हो जाएगी। तो अभी 1 महीना बचा है, तो आप जो भी कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो चुका है, हमने काफ़ी रिवाइज भी कर लिया ऑलमोस्ट, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हमें जो भी कंटेंट हमारे पास है उसको अच्छे से प्रिपेयर है वो करना है। तो अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज तो आज की हमारी ये डिस्कशन है, ये प्रीलिम्स अपडेटर की 2018 की प्रीलिम्स के लिए लास्ट एक्चुअली डिस्कशन है। इसके बाद हम आगे से नेक्स्ट डिस्कशन है वो एग्जाम के बाद से स्टार्ट है वो करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो हरिमाओ एक्सरसाइज जो शक्ति एक्सरसाइज है वो एक्चुअली इंडिया और मलेशिया के बीच में की गई है, और यह कहाँ पर होस्ट की गई है, यह इस बार मलेशिया में होस्ट है वो की गई है। और ये ध्यान रखना है कि आर्मी कोऑर्डिनेशन और आर्मी कोऑपरेशन के लिए, मतलब हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और मलेशिया की आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि इस बार मलेशिया में होस्ट है वो की गई है। तो थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वो है पीस मिशन 2018 के बारे में। तो पीस मिशन 2018 है यह एक मल्टी नेशनल काउंटर टेरर एक्सरसाइज है, मतलब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी कंट्रीजों के साथ मिलकर आ रही हैं, इसके लिए एक्सरसाइज है वो आयोजित है वो की जा रही है। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 2 साल में एक बार इसको होस्ट है वो किया जाता है। अब कौन कौन से इसमें कंट्री शामिल हैं वो ध्यान रखना है, वो कंट्रीज में है वो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना SCO, उसके जो मेंबर्स हैं 8, उनके बीच में एक्सरसाइज वो की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए इस बार हो जाती है क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बन चुके हैं, और इसलिए उनके दोनों के मेंबर बनने के बाद पहली बार एक्सरसाइज वो होस्ट की जा रही है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। और 2018 का जो इसका एडिशन है वो एक्चुअली रशिया के यूराल माउंटेन में इसका होस्ट आयोजित है वो किया जाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि इस बार इंडिया और पाकिस्तान दोनों की मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल है वो हो गई हैं। अब देखो जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली 2001 में बनाया गया था 6 कंट्रीज की हेल्प से। उस टाइम पे रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके साथ तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन 6 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। इसके बाद में लास्ट ईयर ही आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर वो बन चुके हैं। तो अभी इसके कुछ 8 मेंबर हैं, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मतलब SCO का हेडक्वार्टर वो कौन सी कंट्री में और जगह का नाम है वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आप ये बताइए कि एशिया और जो यहाँ पे रसिया, एशिया और सॉरी यूरोप है उनको कौन डिवाइड करता है, मतलब एशिया को यूरोप से कौन कौन अलग करता है, जैसे कि यूराल माउंटेन हुआ, यूराल रिवर हुआ, कैस्पियन सी, रेड सी, जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, क्योंकि देखो ऐसे UPSC काफ़ी बार इनको पूछ लेती है सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो हमें ध्यान रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, DAC के बारे में। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसका निर्माण देखो इंडिया में इसलिए किया गया था ताकि डिफेंस के जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, प्रोक्योरमेंट वगैरह खरीदने वगैरह हैं तो उनको ढंग से खरीदा जा सके। क्योंकि देखो अभी आपको पता है काफ़ी धांधलीबाजी के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे डिफेंस सेक्टर में कि भाई इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है ये हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदने में, TC वेपन्स वगैरह खरीदने में। तो इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसका निर्माण किया गया है ताकि जो भी जो काउंटर अपराध, जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि टेररिज्म हो, काउंटर करप्शन हो रहा है, उससे निपटा जा सके। इसके साथ ही अगर जैसे डिफेंस सेक्टर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेना हो तो उसमें जल्दी की जा सके, क्योंकि एक बार क्या होता है काफ़ी डिले हो जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें आज और इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं हमें 1-1.5 साल बाद, तो काफ़ी डिले हो जाता है क्लियरेंस वगैरह मिलने के लिए। तो उसके लिए इस काउंसिल का निर्माण किया गया है ताकि इसके जो भी उपकरण वगैरह चाहिए हो वो इसके हेड है वो बता देंगे कि भाई ये उपकरण चाहिए, तो उनको जल्दी से खरीदा जा सके, जल्दी से बाहर से भी इंपोर्ट वगैरह करना है वो किया जा सके। इसके हेड कौन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री वगैरह। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है यह इंडिया की प्रीमियर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 1966 में इसका निर्माण किया गया था एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के तहत, और मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी देख लेना, मिनिस्ट्री वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये मेनली काम करती है ऑटोनोमस रूप से, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। इसी के साथ ही बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950 उसके तहत भी इसको रजिस्टर वो किया गया है। तो यहाँ पे UPSC के बारे में क्वेश्चन
पूछ सकती है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वो हो जाते हैं। काम इसका क्या है, इसका काम देखो ये है कि वॉलंटियर जो मूवमेंट्स है ना, सेल्फ हेल्थ के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए या फिर सेफ्टी के लिए, मतलब सेफ्टी किसी भी चीज़ की इंश्योर करनी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की सेफ्टी इंश्योर करनी हो या फिर इन्वायरमेंट को सेफ करना हो, तो उसके लिए वॉलंटियर मूवमेंट है उसको बनाए रखना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन वो बनाए रखना, डेवलपमेंट करना, इसके साथ ही नए वॉलंटियर मेथड्स हैं उनको जनरेट करने का काम है वो यहाँ पे किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी किस तरीके से इसमें ये इंस्टीट्यूट क्या करता है कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे कोर्सेज वगैरह देते हैं, इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, सेमिनार वगैरह होस्ट हो की जाती हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल है वो है क्या, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट वगैरह है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है भाभा कवच के बारे में। तो भाभा कवच है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट है जो इंडिया का स्वदेशी जैकेट है जो बनाया गया है BARC के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो इसके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया है, क्योंकि देखो एक तो इसका काफ़ी फीचर्स इसलिए अच्छे हैं कि इसका वेट काफ़ी कम है, बट अदरवाइज़ इंडिया को जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं और उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इंडिया में बनाए गए हैं ब्राक के द्वारा, BARC के द्वारा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रख लेना, मे बी UPSC पूछ सकती है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं उनमें बोरोन कार्बाइड उसका यूज़ किया जाता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि बोरोन कार्बाइड है उसकी हेल्प से मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बनाए जाते हैं, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो एक्चुअली यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है, और इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। UPSC देखो रिपोर्ट वगैरह पे एक आध क्वेश्चन से वो हर साल पूछती ही रहती है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, वैसे कुछ डिस्कशन में आज इतनी सारी न्यूज़ वगैरह थी नहीं, तो हमने जो पीछे का करंट अफेयर है उसी को मेनली यहाँ पे रिवाइज़ किया है, एक दो न्यूज़ थी तो उनको ऐड यहाँ पे कर दिया गया है। तो आज हम थोड़ा सा एक्चुअली जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह है उनको देख लेते हैं कि उन पे भी UPSC के बारे क्वेश्चन वगैरह डायरेक्टली पूछ लेती है। तो एक सेकेंड, हाँ ये आर्मी की जॉइंट मिल एक्सरसाइज है, देखो इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इनको दो तीन दिन है ना सुबह शाम, जैसे कि जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल हो जहाँ भी हो वहाँ उसके सामने चिपका लो, दो तीन बार इसको डेली पढ़ लो, सुबह उठते पढ़ लो, दोपहर को खाना खा रहे उस टाइम पे, शाम को ऐसे तीन चार बार अगर दिन में आप इसको रिवाइज कर लोगे तीन चार दिन तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब ऐसे अगर आप ऐसे इनको रटने बैठोगे कि जो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही है, इंडिया श्रीलंका, तो याद नहीं होने वाले, तो बेटर ये होगा कि आप इनको पाँच छः दिन या तीन चार दिन तो आप इनको अच्छे से रिवाइज हो कर लो सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिल रहा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रा शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसके बाद में आती है हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड है वो इंडिया चाइना के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी इश्यूज आपको पता रहते हैं नॉर्मली। मेनली एक्सरसाइज आपको वही याद रखनी है जो कि अभी करंट में कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा हो, जैसे कि कोई जैसे इंडिया चाइना की तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, श्रीलंका पड़ोसी कंट्रीज है तो पड़ोसी वाले तो आप नॉर्मली देख ही लेना सब के सब। इसके बाद में यहाँ पे आती हैं जो अगली इंपॉर्टेंट आती हैं वो आती है यहाँ पे युद्ध अभ्यास, ये आप रहने देना, नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्चुअली मंगोलिया के साथ की जाती है। इसके बाद में युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और USA के बीच में, तो ऐसे दिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में सूर्य किरण है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, लमाते एक्सरसाइज है वो इंडिया और सेचल्स के बीच में, सेचल्स की लोकेशन कहाँ आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, सेचल्स कहाँ पे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है प्रबल दोस्तक, तो प्रबल दोस्तक है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। इसके साथ ही अलनगा है, अलनगा एक्सरसाइज है वो इंडिया और ओमान के बीच में है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इंडिया और ओमान। इसके बाद में अजय वॉरियर, अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और UK के बीच में है। इसके बाद में अगली आती है वो आती है संप्रीति, तो संप्रीति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और आपको पता है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, तो इसलिए देख लेना इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है खंजर, तो खंजर जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होस्ट है वो की जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज है वो की जाती है। नाम से थोड़ा खंजर किर्गिस्तान आप इसको थोड़ा याद हो कर सकते हो। आगे हम एक दो एक्सरसाइज और भी हैं, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। नेवी एक्सरसाइज में आती है वरुणा एक्सरसाइज, तो वरुणा जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली इंडिया, एक सेकेंड, वरुणा एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, तो ये ध्यान रखने की इंडिया और फ्रांस है वरुणा एक्सरसाइज है। इसके बाद में आती है यहाँ पे सेलनेक्स, तो सेलनेक्स है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। इसके बाद में इंद्रा है, इंद्रा है वो इंडिया और रशिया के बीच में। देखो इंद्रा नाम से कई एक्सरसाइज हैं, तो जहाँ भी इंद्रा नाम आ जाता है जिस भी एक्सरसाइज में वो आप ध्यान रखना कि इंडिया और रशिया के बीच में है। बस थोड़ा इंपॉर्टेंट ये देखना कि मिलिट्री वाली है नेवी वाली है, तो वो आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। इंद्रा नाम आते ही मतलब रशिया के साथ एक्सरसाइज है वो है।
एक्सरसाइज मालाबार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूएसए और इसमें जापान भी ऐड है, वो हो गया है। इसके बाद में आती है सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स है वो एक्चुअली सिंगापुर और इंडिया की नेवी के बीच में है। इसके बाद में आते हैं इबसमर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इबसमर है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवी एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया भी शामिल, तो ध्यान रखना कि तीनों की टाइल एक्सरसाइज है वो हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है, वो आते हैं यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे नसीम अल भार, हाँ ये देख लेना, नसीम अल भार है वो एक्चुअली इंडिया और ओमान के बीच में, क्योंकि थोड़ा नाम से कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि पता नहीं ओमान है सऊदी अरब वगैरह, तो ये देखना कि ये इंडिया और ओमान के बीच में। इसके बाद में सहयोग कैजिन, तो सहयोग कैजिन है वो एक्चुअली इंडिया और जापान के बीच में कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, तो इसलिए ध्यान रखना कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। इसके बाद में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है कुछ, एक सेकेंड, कोस्ट गार्ड में नहीं सॉरी एयरफोर्स की एक्सरसाइज में है यहाँ पे, एक तो है इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंडिया और यूके के बीच में। गरुड़ा एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसके बाद में यहाँ पे आ गई है अवई इंद्रा, तो अवई इंद्रा एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में है। इसके साथ ही रेड फ्लैग है वो एक्चुअली इंडिया और यूएस के बीच में है। इसके साथ ही यहाँ पे डेजर्ट ईगल इंपॉर्टेंट है, ये देखना इंडिया और यूए के बीच में, क्योंकि ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, वो आपको पता है कि यूए की यात्रा पे गए थे, तो ये देख लेना। इसके साथ ही ईस्टर्न ब्रिज है वो एक्चुअली इंडिया और ओमान के बीच में, तो जो जो जहाँ पे भी यात्रा वगैरह होती है प्रधानमंत्री की या जहाँ भी न्यूज़ में रहते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी देखो रिवीजन था वो हमने करंट अफेयर लास्ट ईयर का था, वो ऑलमोस्ट दिसंबर तक का, तो हमने रिवाइज वो कर लिया था वीडियोस के थ्रू। बाकी जो और बचा हुआ था आगे का, उन्होंने उनको एक्चुअली हमने क्वेश्चन के फॉर्म में आगे यहाँ जो डेली डिस्कशन करते हैं उसमें ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर आपके पास है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा हो कि यार चलो कोई करंट अफेयर रह गया, तो आप एक काम करना कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट की जो मेनली ईयरली मैगजीन्स आती हैं जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह किसी से भी लेना आप अच्छी, ऑलमोस्ट सब में कंटेंट सेम सा ही होता है जो आपको कंफर्ट लग रही हो, वहाँ से आप एक बार सारा रिवाइज कर लेना ताकि जो भी कोई मिस्टेक्स वगैरह रह गई हो वो सारी दूर है वो हो जाए। बाकी ऑलमोस्ट हमने साल भर का करंट अफेयर वो अच्छे से रिकवर है कवर है वो कर लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।